हेलो सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशान और मैं हूँ इस टाइम अपने फाइनल ईयर बीटेक में। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई कंपार्टमेंट लेने के लिए अड़ा पड़ा है। और कंप्लीट बात करते हैं कि सीबीएसई को कंपार्टमेंट एग्जाम लेना चाहिए, और अगर कंपार्टमेंट एग्जाम लिए तो स्थिति गंभीर होने वाली है। और सीबीएसई ने क्लियर कट बता दिया, अपना नोटिस भी दे दिया, तो सारी बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉट नेट पर होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस एक अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 30 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से क्लास 12 से लेकर नीट, आईटी, जेई मेंस एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत भी है, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 8400400400। वहां आप अपने प्रॉब्लम सबमिट कीजिए, जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। सीबीएसई का एक सर्कुलर आया था रिसेंटली, और उसमें सीबीएसई ने कुछ क्लियर कट बताया। उसमें सीबीएसई ने कुछ साफ साफ बताया कि जी आपकी बार के जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो होने हैं। काफ़ी कंडीशन ये बैठ रही थी कि जी कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना की कंडीशन आपको पता ही कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में जी बात यह है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए थे, पर सीबीएसई ने ये कहा है कि जी एग्ज़ाम कैंसिल हम जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं तो सीबीएसई ने कहा कि ये फ्यूचर को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। जो भी स्टूडेंट आगे, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में जाएंगे, जो क्लास 10th के बच्चे वो आगे क्लास 11th में जाएंगे, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है। तो स्टूडेंट बात यह है कि सीबीएसई ने कहा है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन चाहे कैसी भी हो, सीबीएसई ने कहा है कि जैसे ही अनलॉक 3 स्टार्ट होगा वो सीबीएसई अपने सहूलियत से जो भी डेट्स होंगी आगे पीछे करके वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा। और मुझे लगता है ये सीबीएसई का डिसीज़न बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, सेंटर्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से तो एग्ज़ाम होंगे नहीं, बोर्ड के एग्ज़ाम सेंटर पर ही होंगे जाकर। और अगर सेंटर पर गए, चाहे वो सेंटर आपका स्कूल ही क्यों ना हो, पर अगर वो सेंटर पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ आएंगे, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी बच्चे इफेक्ट हो जाएँ एक साथ और वो अपने घर जाएँ और अपने पेरेंट्स को भी या अपने फैमिली मेम्बर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी काफ़ी मुहिम चलाई थी लोगों ने ट्विटर पर जो है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, पर सीबीएसई के बाद थोड़ा अड़ गया अपनी बात पर। और सीबीएसई ने कहा है कि जी आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते, वो सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल लेकर आएगा। आपको थोड़ा सा कंप्लीट बता दो, सीबीएसई ने कहा था फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट विल बी इफेक्ट एडवर्स, आपको एक कंप्लीट बता दो कि सीबीएसई ने कहा था फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट विल बी एडवर्सली इफेक्ट इफ कंपार्टमेंट एग्जाम आर नॉट हेल्ड। सीबीएसई ने कहा है कि ये फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है नहीं हुए, ठीक है। तो सारी बात ये है कि जी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने हैं, काफ़ी मुहिम चलाई थी लोगों ने, बट कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। और सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो कॉलेज के हैं वो भी होने हैं, और वो भी थोड़े ज़रूरी है, और उनके साथ के साथ लेकर सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम शायद इतने ज़रूरी नहीं है, पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी ले रहे हैं, क्योंकि उससे ये है कि अगर वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बच्चों को पास कर देते हैं तो एक तरीके का अनफेयर होगा, और ये ऐसा होगा कि एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध होगा, कि मतलब जो बच्चे एक बार क्लियर नहीं कर पाए उन्हें दोबारा पास करके वो बच्चों को जो है ऐसी फ्री में पास कर रहे हैं, सीबीएसई का कहना ये है। तो सीबीएसई ये कह रही है कि जी कंपार्टमेंट एग्जाम लेकर रहेगी, और बच्चों आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी के बातों में मत आइए, जो भी वीडियोस बन रही कि जी हम मुहिम चला रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि कभी सीबीएसई के डेट्स आ सकते हैं, सीबीएसई कह देगा कि जी इस दिन हम कंपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर सीबीएसई को करना चाहिए था तो ये कर देता सीबीएसई कि जिन बच्चों की 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से जिनकी कंपार्टमेंट है, कम से कम उन्हें तो पास कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी कंपार्टमेंट बहुत ही कम नंबरों से है, और शायद कॉपी चेकिंग में हल्की बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए उनकी कंपार्टमेंट लग गई है। तो पर बहरहाल सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं करा, और सीबीएसई चाहता है कि जिनकी 1 नंबर से कंपार्टमेंट है उन सभी को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने हैं। तो फिलहाल स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, और सीबीएसई ने कहा कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेकर रहेगी। तो फिलहाल आप बच्चों को तैयारी कर देनी चाहिए आपको, और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेगा। और जितने भी वीडियोस बन रही हैं कि जी हम मुहिम चला रहे हैं या हम ट्विटर पर लड़ रहे हैं, तो इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं लगने वाला, और क्योंकि अगर फ़र्क लगता तो सीबीएसई पहले ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल कर देता। तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे, और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे कोई भी परसेंटेज। तो तैयारी कर दो अच्छे से, और जितना हो सके उतना पढ़ो, और कंपार्टमेंट जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, परेशान है कि जी हमारी कंपार्टमेंट आ गई है, तो दिक्कत ना ले, कंपार्टमेंट आ गई तो वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि जी कंपार्टमेंट आ गई और बैठ गए मायूस, और उनका ना इधर के ना वहाँ के।
तो अब की बार आपको कंपार्टमेंट निकालने के कंपार्टमेंट होते, क्योंकि आपको आगे भी एडमिशन लेना है। तो ये सारी बात थी मेरी तरफ से, तो कंपार्टमेंट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कंपार्टमेंट होगी और अपना सिलेबस पढ़ना चालू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द CBSE। ठीक है, तो सारी बात थी मेरी तरफ से, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।